आखिर इस कमरे में है क्या? ये तो दीवार के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है। अध्यापक अघाड़े के रूम में से ऐसा गुप्त रास्ता। किस प्रकार के जानवर है? देखो तुम लोग आगे मत बढ़ना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन। यहाँ पर कोई भी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। अलवीर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो उसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस तो नहीं गए? इन पर वार करने से इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। ये तो कोई जीवनदायक अमृत लग रहा है।
इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। तो ये बताना चाहती थी आप? लगाना जोर का झटका? बहुत जोर का झटका लगा है मॉम। दिल में मेरे है दर्दे डिस्को, बच्चे बूढ़े यहाँ से खिसको। ये क्या बोल रही हो? वही जो आपने लिखा है। अरे ये मैंने ये नहीं लिखा, मैंने तो लिखा था कि चिकनी चमेली चुटकिया के वो। यानी कि सिर्फ कुएं के अंदर जादुई शक्तियां नहीं चलती। स्वामी अब मुझे लगता अब रे नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, रे ना सही, मिस ब्रिगेंजा तो है आपके पास। अरे स्वामी स्वामी आप मुझे ही अपनी पावर दे दीजिए, मैं है ना मैं सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अपने हाथ में रहो घुड़सवार। घुड़सवार नहीं, घोड़ा मानव। घोड़ा मानो मकोड़ा मानो जो भी हो अपनी हद में रहो। और अपनी हद से तुम बाहर जा रहे हो समझे? अरे चुप, तू क्या मुझे समझाएगा चार पैरों वाला प्राणी। तुम्हें क्या लगता है मिल्सा, हमने कहीं समय से पहले ही रे को धरती पर अकेला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बामबाल श्री, आपका कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। वो रहा रे। आपका क्लच ले लिया। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रे। आना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई रे? कहीं धरती पर किसी ने? Not at all, Mr. B. बस मुझे आते वक्त एक डिटॉल लेना पड़ा उस कुएं की तरफ से। You know ना that? कवक का जहर फिर से फैल रहा था। फिक्र मत करो रे। जिस दिन उस महाताकतवर को हम ढूंढ लेंगे उस दिन तुम्हारी इस परेशानी का अंत हो जाएगा। लेकिन बामबाल श्री हमें अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी महाताकतवर है उसे भले ही हमारी पहचान नहीं पता चली हो लेकिन उसे हम पे शक जरूर हो गया है। मिल्सा, हमें उन लोगों का शक अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बामबाल श्री? मेरे पास एक सजेशन है। क्या सुझाव है रे? यही कि कभी कभी चेस में क्वीन को बचाने के लिए पॉन की जान देनी पड़ती है। तुम्हारी सलाह मुझे बहुत पसंद आई रे। घोड़ा मानव। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मॉम ये आपको क्या हो गया है? देखा देखा तुमने, मैं कठिन से कठिन टंग ट्विस्टर बोल पा रही हूँ लेकिन वही नहीं बोल पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। हाँ देवकी जी,
आप क्या किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं? नहीं नहीं करुणा जी, मैं किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विवान, क्या किया उसने फिर से बदमाश ने? आप कुछ तोड़ा है फिर से? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे करुणा जी रुकिए रुकिए, किल डाउन किल डाउन। आंटी मॉम का मतलब है चिल डाउन। हाँ वही वही, विवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो प्यारा बेटा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आगरे का बेटा अगर कलकत्ता में बेचा जाए फिर भी वो आगरे का कहलाएगा। मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि देवो ही नकाबपोश है। आगरे के बेटे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। वाओ आंटी, मूंग दाल का हलवा। आई जस्ट लव मूंग दाल का हलवा। थैंक यू। वैसे देवू यहाँ आया था क्या? क्यों, आंवले का मुरब्बा घर पे नहीं है? पता नहीं आंटी मॉम को क्या हो गया है, कल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रही हैं। वो क्या है ना कि सुबह से मैं इतना टंग ट्विस्टर बोल चुकी हूँ ना कि कोई भी बात सीधी नहीं निकल रही। मॉम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिलैक्स करिए और कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है? और ये मूंग दाल का हलवा एंजॉय कीजिए, मैं तब तक क्वारंटाइन सेंटर में एक राउंड मार के आती हूँ। ओके अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, शायद देबू वहीं मिल जाए। ठीक है आंटी, चलते हैं। ओके मॉम बाय। बाय देख के जी। देबू ही नकाबपोश है। काश ये लोग मेरे मन की बात सुन पाते तो इन्हें भी सच पता चल जाता। इतनी देर हो गई, बालवीर कहाँ रह गया होगा? मुझे बालवीर को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेज देनी चाहिए। माँ, माँ, माँ। बालवीर तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जो सुराग ढूंढ कर आया वो जानकर अब बहुत खुश हो जाएंगी। आप मुझे धरती पर क्यों लाए बामबाल श्री? अगर जलराज केकोस को पता चल गया तो? जलराज केकोस को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या अभी तक उन्हें यह पता चला है कि तुम वेतन तो उनसे लेते हो लेकिन सेवा हमारी करते हो? दरअसल हमें एक खबर मिली है कि धरती के लोग शिंकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बामबाल श्री ये चाहते हैं कि तुम और ब्रिगेंजा मिलके ये पता करो कि ये खबर सच है कि नहीं। हाँ। बामबाल श्री, शिंकाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जाओ, शिंकाई का सर ऊंचा करो। जी बामबाल श्री। इस यंत्र से ऐसी तरंगे निकलेंगी जो हमारे दुश्मनों को चौकन्ना कर देगी। आगे कुछ मत बोलिए सुंदरी जी, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि निष्ठा के मामले में मैं सोने का पदक जीत चुका हूँ। अरे रुको घुड़सवार, मैं आ रहा हूँ, आई मीन आ रही हूँ। अरे वेट वेट, मुझे लगता है हमें उस कुएं के पास जाकर घेराबंदी कर लेनी चाहिए। नहीं बालवीर नहीं, शौर्य ने हमें आदेश दिया था कि हमें सिर्फ उस बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढना है जो हमने ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है इस बारे में शौर्य ही फैसला ले पाएंगे। लेकिन माँ, अगर शौर्य से बात करके वापस आने में हमें देर हो गई तो? अरे सुनो 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 घोड़ा बनो, मैं बहुत थक गया हूँ, दो पल यहाँ आराम कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ बम्बाल श्री ने क्यों भेज दिया, दो कदम चले नहीं और दो पल का आराम करना है। वाह, शिंकाई की जय हो।
शिंकाई की जय हो। बाल्दी, अभी तक हमें सिर्फ एक कुआं ही मिला है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये देखो बालवीर, इस खोजी तरंग को फिर से किसी जादुई शक्ति का आभास हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? यही कि इस बार रानी को बचाने के लिए प्यादे की नहीं घोड़े की बलि दी जा रही है। शिंकाई की जय हो। हमारा दाव एकदम सही लगा है बाम्बाल श्री। ये घोड़ा मानव जरा भी नहीं हिल पाएगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बम्बाचरे? ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। जान तो तुम्हारी जरूर जाएगी, लेकिन ये सोचकर खुश होना कि शिंकाई के शहीदों में शामिल होगे तुम। अब उनकी खोजी तरंगें इस घोड़ा मानव को ढूंढ लेंगी और तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। बट मिस्टर बी, मुझे उस सुपर पावर का ब्लड चाहिए ताकि मुझ पर से उस जहरीले कवक का असर खत्म हो सके। सब्र रे सब्र, आज या तो दुश्मन का शक हम पर से उठ जाएगा या फिर तुम्हारे शरीर से इस कवक का असर दूर हो जाएगा। बालवीर, मिल गया हमें उस बुरी शक्ति का स्रोत। चलो। थोड़ी देर में उन लोगों का पर्दा फाश हो जाएगा जो हमें ढूंढने की बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ, यानी दुश्मन के दर्शन हो जाएंगे। रुकिए माँ, जब पिछली बार हमने उस बुरे शक्ति को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेजी थी तब वो वहां से भाग गई थी, लेकिन इस बार वो वहीं पर रुकी हुई। ये तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग हमें अपनी ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम आप हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई तरंगों से उस बुरी शक्ति को भस्म कर देते हैं। बेचारा घुड़सवार तो धूल का फूल बन गया, लेकिन वो महा ताकतवर कहीं दिखाई नहीं दिया। सब्र ब्रिगेंजा सब्र, वो जो भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा।
सभी, अब मैं ये वेटिंग गेम और नहीं खेल सकता। वो सुपर पावर चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे अभी खींचकर यहां पर निकालता हूं। वॉच दिस। अरे वाह, इतने देर हो गई, कोई हलचल नहीं हो रही है, कहीं वो बुरी शक्ति भाग ना जाए। मैं खुद जाकर देखता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.